मैं आई बाबा, मेरा आप सबको नमस्कार। जैसे कि आप जानते हो कि आँख के हर एक रोग के लिए जो हमारा मिराकल आई ड्रॉप है, आप सभी उसको इस्तेमाल करके आँखों की रोशनी का आनंद ले रहे हो। गर्मी बहुत है, जिस कारण हमने आपकी सुविधा के लिए, आपके सुख को ध्यान में और दुख को ध्यान में रखते हुए समय चेंज किया है। सुबह तड़के 4 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रसाद देते हैं। 9 बजे का मतलब ये नहीं कि 9 बजे तक ही देते हैं, अगर आप लेट हो गए आपको प्रसाद मिलेगा, ज़्यादा लेट नहीं होना। कारण गर्मी बहुत है, वो ना हो कि आँखों का रोग दूर करते करते गर्मी के कारण और रोग आ जाए। आप सबका मुझे इंतज़ार है, आप आइए, सुबह तड़के 4 बजे आइए और 9 बजे तक अपने आँखों के हर एक रोग, कोई भी रोग है, चाहे डॉक्टर ने जवाब दे रखा है या डॉक्टर इलाज कर रहे हैं या आप कोई दवाई डाल रहे हैं या चश्मा पहन रहे हैं या ऑपरेशन के लिए बोला है, इन सब से बचने के लिए मिराकल आई ड्रॉप डालिए, आपको आराम आएगा। हर सोमवार, वीरवार, शुक्रवार की छुट्टी होती है, बाकी के दिन गुरु नानकपुरा वेस्ट जलंधर शहर में आकर आप आँखों के जो आई ड्रॉप हैं प्राप्त करके आनंद मान सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि ये मिराकल आई ड्रॉप टोटली फ्री है, तो ये आपकी सेवा के लिए ही है। एक मैं बात विनती करूं, ये हम जो सेवा कर रहे हैं अपने किसी व्यक्तिगत नाम पर या किसी रिश्तेदार या माता पिता के नाम पर नहीं कर रहे, हम उस परमपिता परमात्मा जो है उसके नाम पर कर रहे हैं। उसके नाम पर जो सेवा करता है उसके साथ झूठ बोलना, धोखा देना, हेरा फेरी करना, उसको ठगना, वो नाराज हो जाएगा। ध्यान रखना, उसके नाम पर मैं ठगी करूं, मुझे छोड़ेगा नहीं। उसने मुझे दुनिया से चुना है, उसने मुझे इलेक्ट किया हुआ है, मैं उससे बहुत डरता हूं, आपसे भी डरता हूं। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है कि आप भी श्रद्धा और विश्वास से, बिना किसी झूठ से, मैं इसलिए बोल रहा हूँ झूठ का मैंने नाम लिया है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ झूठ बोलकर प्रसाद ले जाते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं तो वो बाहर भेज देते हैं अपने रिश्तेदार को। आपको किसी को इतना हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि आप प्रसाद दो, वो हमारे पास है, वो अधिकार हमारे पास है। जहाँ पर आते हो, जब भी इधर उधर किसी दुकान पर नहीं बैठना, हमारे पास बैठिए, आइए, प्रसाद लेकर तुरंत चले जाना चाहिए आपको। गाड़ी पीछे खड़ी करो, लैट्रिन बाथरूम का जहाँ पर कोई प्रबंध नहीं है, गाड़ी उस जगह पर खड़ी करो जहाँ पर किसी को कोई एतराज ना हो। आशा करता हूँ कि आप सब इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें सहयोग दोगे और हमें सेवा करने का जो अवसर मिला, आपकी सेवा करने का अवसर मिला है, हमें भी सेवा करके जो आनंद मिलता है उस आनंद में खलल नहीं डालोगे, हमें परेशान नहीं करोगे। जो हमें परेशान करता है उसके साथ परेशानी जाती है, जो हमें सहयोग देता है वो झोली रोशनी से भर कर जाता है। हमें संदेश आते हैं, बाबा जी मुझे आराम नहीं आया, फिर पूछते हैं, पता चल जाता है झूठ बोलकर प्रसाद लिया, किसी से मंगवा लिया था, डलवा लिया, जहाँ आपके साथ हमने ये ऐसी बात हो गई। मुझे कुछ लोग सर सर कहना शुरू कर देते हैं, सर तो ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, हम तो भिखारी लोग हैं, हम बाबा लोग हैं, हमें बाबा जी
अगर कहेंगे आप तो हमें खुशी मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। नमस्कार।